गरिमा अग्रवाल, आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम जानते हैं भादवे की बछवारस की पूजा विधि के बारे में। इस दिन बहुत से लोग किसी बछड़े की माँ गाय और उसके बछड़े की पूजा करते हैं, तथा बहुत से घरों में पाटे पर मिट्टी से गाय बछड़ा, जोहड़, साहूकार साहूकारनी आदि बनाकर पूजा करते हैं। बछवारस के दिन गाय का दूध और उससे बनी कोई भी चीज नहीं खाई जाती है, केवल भैंस के दूध, दही, घी आदि का ही उपयोग किया जाता है। साथ ही इस दिन चाकू का उपयोग करना तथा उससे कटी किसी भी वस्तु का उपयोग करना मना होता है। बछवारस के दिन गेहूं और जौ तो कहीं भी नहीं खाया जाता, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से कुछ मान्यताएं और भी प्रचलित हो गई हैं। जैसे किसी क्षेत्र में मूंग खाया जाता है, लेकिन किसी दूसरे क्षेत्र में मूंग बिल्कुल नहीं खाया जाता। कहीं चावल खा सकते हैं और कहीं चावल खाना मना होता है। इस तरह अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से हर पूजा में थोड़ा बहुत बदलाव आ जाता है। तो आप अपनी मान्यताओं के अनुसार हमारे द्वारा बताई गई विधि में थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हैं। बछवारस के दिन बाजरा, मक्का विशेष रूप से खाया जाता है, चना, बेसन भी खा सकते हैं। कुछ घरों में इस दिन पहले दिन ही खाना बनाकर रख दिया जाता है और बछवारस पर ठंडा खाना खाया जाता है, जबकि कुछ घरों में इस दिन ताजा गर्म भोजन किया जाता है। साथ ही जो सब्जियां बिना काटे बनाई जा सकती है वे बना सकते हैं, जैसे ग्वार फली, मूंग की दाल, हरी मिर्च, बेसन से बनाई जा सकने वाली सब्जियां आदि आप बना सकते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं बछवारस पर पाटे की पूजा कैसे करते हैं। पाटे की पूजा के लिए सबसे पहले इस तरह पाटा मांडे। पाटा मांडने की विधि आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। पाटे की पूजा के लिए हमें चाहिए भैंस के दूध का दही, करेले की बेल, बेर की झाड़ी, रोली, बाजरा। हमारे यहाँ चावल का उपयोग नहीं किया जाता, इसीलिए कुमकुम के साथ लगाने के लिए हमने बाजरा लिया है। मूंग, मोठ, चने, चवले आदि का भिजोना, दुर्वा, चांदी का छल्ला। चांदी के छल्ले से बेटे का दही फुदकड़ा किया जाता है। अब सबसे पहले हमने जो पाटा बनाया है उसमें साहूकार साहूकारनी, गाय बछड़ा, बेटे बहू, पोते आदि सभी को तिलक करें, बाजरा लगाएं। फिर उसके बाद चारों कोनों में और बीच में जो जोहड़ बनाया है उन सब में दही डालें और जो दोनों पतीले बनाए हैं उनमें भी दही डालें। उसके बाद एक मूंग और मोठ का दाना सब में डालें। बेर की झाड़ी का कांटा और करेले के पत्ते का टुकड़ा डालें। फिर सब में थोड़ी थोड़ी दुर्वा डालें। गाय और बछड़े को दुर्वा चढ़ाएं। फिर पतीले के ढक्कन वापस बंद कर दें। कुछ जगह पाटा मांडते समय चारों कोनों के भी ढक्कन बनाते हैं। यदि आपके यहाँ भी ऐसा होता है तो आप उसके भी ढक्कन बना सकते हैं। फिर जो सारी सामग्री आपने जोहड़ में डाली है वही सब अपने दोनों हाथ में भी ले। उल्टे हाथ का सामान आपको बिना चबाए निगलना होता है, इसीलिए उसमें कांटा, दुर्वा, करेले का पत्ता आदि सब बहुत छोटा रखें। और फिर इस तरह सीधे हाथ में मूंग मोठ के आंखें लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद सीधे हाथ की पूरी सामग्री जोहड़ में चढ़ा दें तथा उल्टे हाथ की सामग्री का आप प्रसाद ले लें। लेकिन ध्यान रखें, इसे बिना चबाए निगलना होता है। कहानी सुनने के बाद
किसी भी छोटे लड़के का या बेटे का दही से फुदकड़ा किया जाता है। यह आप अपने बेटे के साथ भी कर सकते हैं। यदि छोटा लड़का घर में नहीं है तो पास पड़ोस के किसी भी लड़के का फुदकड़ा किया जा सकता है। इसके लिए लड़के को अपनी गोद में बैठाकर चांदी का छल्ला और दुर्वा से इस तरह दही खिलाया जाता है। इसे ही फुदकड़ा करना बोलते हैं। फिर इसके बाद भीगे हुए मूंग मोट चने आदि का बायना निकालकर सासू माँ को दे दें। इस तरह बछवारस की पूजा की जाती है। कहीं कहीं बछवारस की पूजा में गाय बछड़ा और पाटा दोनों की पूजा की जाती है और किसी किसी के यहाँ या तो केवल पाटे की पूजा की जाती है या फिर गाय बछड़े की पूजा की जाती है। तो आपके यहाँ जैसा भी होता है वैसा ही करते हुए आप बछवारस की पूजा करें। तो आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। जय श्री राधे।